कुलदीप कुर्क, अब्दुल मलिक पर सबसे तगड़ा एक्शन, अब निकलेगी अब्दुल मलिक की हेगड़ी, 9 उपद्रवियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश। हल्द्वानी में हुई हिंसा को 7 दिन का वक्त हो चुका है, लेकिन इसका मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। कभी खबर आती है कि वो हल्द्वानी में ही अंडरग्राउंड हो गया है, तो कभी खबर आती है कि वो भागकर यूपी आ गया है और यहाँ पर अपने किसी गुर्गे के घर पर छिपा हुआ है। अब्दुल के खिलाफ प्रशासन एक्शन लेने की तैयारी कर चुका है, तभी तो अब खबर आई है कि अब्दुल मलिक को भगोड़ा घोषित कर उसकी संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दे दिए गए हैं। और सिर्फ अब्दुल ही नहीं, अब्दुल मलिक के 9 साथियों के खिलाफ भी यही आदेश दे दिया गया है, यानी सबकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। आपको बता दें, अब्दुल के पास लगभग 1,000 करोड़ की संपत्ति है जिसे कुर्क करने का आदेश दिया गया है। अब फिलहाल हल्द्वानी पुलिस को तलाश है अब्दुल मलिक की, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी के बाद ही हिंसा को लेकर कई राज खुलने की उम्मीद है। पुलिस अब्दुल की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें दे रही है। डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र रावत ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि फरार मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश में अलग अलग टीमें लगी हैं और पुलिस की कई टीम में विभिन्न राज्यों में अब्दुल मलिक सहित फरार अन्य दंगाइयों को गिरफ्तार करने के लिए दिन रात काम कर रही है। वहीं फरार उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 9 नामजद उपद्रवियों के लिए कुर्की के आदेश जारी कराए हैं। ये जो 9 लोग बचे हुए हैं, जिनमें कि अब्दुल मलिक भी सम्मिलित है, इनकी न्यायालय से, माननीय न्यायालय से आज 82-83, जिसको आम भाषा में हम कुर्की कहते हैं, वो प्राप्त कर ली गई है और इसको जल्दी ही एग्जीक्यूट कराया जाएगा। इसके अलावा इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस के पास अपने सुराग हैं और इसके आधार पर हम लोग इनको परसू कर रहे हैं। जाहिर है, हर तरफ से अब्दुल मलिक की कमर तोड़ने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। इस पूरी घटना के बाद सीएम धामी का एक धाकड़ बयान सामने आया था, जिसके बाद से ही ये एक्शन देखा जा रहा है। सीएम धामी ने कहा था कि पाई पाई का हिसाब उन्हीं लोगों से लिया जाएगा जिन्होंने बवाल काटा है। हम प्रदेश के अंदर इसका जो हमारा मूल स्वरूप है, जो यहाँ का स्वभाव है, उस स्वभाव को किसी कीमत पर बिगड़ने नहीं देंगे। हम इसको सहन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। जो सुन नहीं रहे फिर वो हमारी बात सुन लें। मैं उनको कहना चाहता हूं, हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं है। उसके लिए जो जरूरी काम होगा वो जरूरी काम किया जाएगा। जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी। चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो, जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे और किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने आग से खेलने की कोशिश की है, जो उनको बहुत भारी पड़ेगी। भाइयों बहनों, हम अतिक्रमण हटा रहे थे, जगह जगह प्रदेश के अंदर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। आपने देखा होगा सरकारी जमीनों पर अनेक जगह पर कहीं ढांचे खड़े कर दिए गए, कहीं प्रतीक बना दिए गए। 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनों को हमने प्रदेश के अंदर मुक्त कराया है। प्रदेश की जो ऐसी जमीन है जो अतिक्रमण थी, जगह जगह पर जो है लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उसको हटाने का काम सरकार ने किया है, उस प्रशासन ने किया है। लेकिन इस प्रकार की गुंडागर्दी किसी कीमत पर भी भाइयों बहनों सहन नहीं होगी। हम आज हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा संकल्प है और हमारा ये प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक हम उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक विकास की धारा को नहीं पहुंचा देते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, जो हमने एक संकल्प लिया है, विकल्प रही संकल्प, उसमें हमारे बड़े बुजुर्गों का हमको आशीर्वाद मिल रहा है, हमारी माताओं बहनों का साथ मिल रहा है, लगातार वो हमारे साथ चल रही है, हमारे नौजवान हमारे साथ चल रहे हैं। और
इस संकल्प की पूर्ति के लिए हर एक नौजवान, हर एक हमारे विद्यार्थी, सारे के सारे एक गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, कदम से कदम मिला रहे हैं। आप सब सहयोग देने के लिए लगातार तत्पर हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना, उत्तराखंड के अग्रणी राज्यों में शामिल करना, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद हमारी सरकार को निरंतरता से मिलता रहेगा। भाइयों बहनों, मैं आज के अवसर पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए। अल्मोड़ा के अंदर हमारे बहुगुणा जी, हमारे अजय टंटा जी लगातार मुझसे कह रहे थे कि आज पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारी माताएं बहनें और हमारे विद्यार्थी, स्कूल के बच्चे आज सड़कों पर थे, और इतनी बड़ी संख्या को देखकर मैं अभिभूत हूँ। निश्चित रूप से मैं आप सबसे कह सकता हूँ, इन आप सब ने आज इस प्रकार का जो प्रेम दिया है, इस प्रकार का जो आशीर्वाद दिया है, आपने जो हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, हम जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और भगवान की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से, उत्तराखंड को जब तक हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल नहीं करवा लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इस अवसर पर आज मेरे को बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपने अपने पत्र मुझे दिए हैं, बहुत सारे आवेदन पत्र भी हैं, बहुत सारे आगे की योजनाओं के पत्र हैं, कुछ जरूरतों के पत्र हैं, मैं उन सबको अपने साथ ले जा रहा हूँ। कुछ प्रमुख जो घोषणाएं हैं, मैं उनको यहाँ पर आपके सामने बोल रहा हूँ। भतरौत खान में एक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, विकासखंड लमगड़ा में सर्वोदय इंटर कॉलेज में 4 कक्षों का निर्माण किया जाएगा, तिलोरा में सिंचाई पंपिंग योजना बनाई जाएगी, विकासखंड हवालबाग के समीप मिनी स्टेडियम की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ सल्ट के बुलमरा गैरखेत रोड का डामरीकरण ये किया जाएगा, विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड द्वाराहाट के अंतर्गत ग्राम सभा सपनी में सुकेश्वर महादेव मंदिर की का जो जीर्णोद्वार है, उसका अवशेष कार्य किया जाएगा। इसके साथ साथ जो भी बहुत सारे और भी हमको प्रस्ताव आए हैं, मैं उनको अपने साथ लेकर जा रहा हूं। सभी विधानसभा क्षेत्रों के सभी माननीय लोगों ने जो मुझे प्रस्ताव दिए, आप सबके बीच में से भी आए हैं, कुछ अभी जल्दी होने वाले अल्पकालिक हैं, कुछ थोड़े दिनों के बाद हो सकते हैं, कुछ दीर्घकालिक हैं, उन सभी को योजनाओं में सम्मिलित किया जाएगा। एक बार फिर से मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।